Hello everyone, welcome back to my channel Cooking Station Around the Kitchen and I hope you all are doing really well. So friends, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है राइस, एरोमेटिक बॉइल्ड राइस हम बना रहे हैं, कोई फ्राई नहीं करेंगे और बहुत सिंपल सा राइस है। बट यही है कि जो हम जो प्लेन जो रेगुलर जो रोज के राइस बनाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें कुछ जो होल स्पाइसेस होते हैं वो यूज करेंगे। उसके चलते क्या होता है कि राइस में बहुत एक अच्छी सी खुशबू आती है और इस राइस को आप किसी भी तरीके से आगे यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ राइस यूज किया हुआ है यह है रेगुलर बासमती राइस। जी हाँ, ये लॉन्ग ग्रेन जो होता है राइस वो नहीं है, बहुत बेसिक जो रेगुलर बासमती राइस होता है वही यूज कर रही हूँ। और ये क्वांटिटी में 1 कप एंड 1/4 कप है, ठीक है, 1 कप और सवा के करीब। और उसके अलावा जैसे कि इसमें जो खुशबू यूज कैसे आएगी उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 ब्लैक पेपर ली हुई है, लौंग ली हुई है, 2 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची ली हुई है। ये खुशबू भी देती है, साथ में जो टेस्ट होता है राइस का उसको भी एनहेंस करती है। उसके अलावा सॉल्ट लिया हुआ है, एज पर योर टेस्ट ले लें उसको। और चिकनाई के लिए आप या तो ऑयल यूज कर लें या फिर घी यूज कर लें। फिर लिया हुआ है लेमन जो कि हम यूज करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, और लिया हुआ है पानी। तो पानी ध्यान रखना है कि हम जितना राइस ले रहे हैं उसका मिनिमम 8 गुना लें। तो और इस यहाँ पर मैंने कढ़ाई यूज किया हुआ है। जब भी आप चावल बनाते हैं खुले में तो ट्राई करें कि चौड़े मुंह का जो बर्तन होता है वो यूज करें, उसमें राइस बहुत अच्छे से बनता है। और पानी 8 गुना से भी ज्यादा चाहे तो आप ले लें, चावल बहुत कम। उससे क्या होगा कि जितने ज्यादा पानी में बनाएंगे उतना चावल का जो स्टार्च है वो रिलीज होगा और चावल बहुत खिला खिला बनेगा। तो हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया हुआ है और इसको उबलने के लिए रख दें, तकरीबन 10 मिनट लगेगा। और उसी 10 मिनट के लिए हम चावल को धो करके इसको सोक करने के लिए रख देंगे। रेगुलर राइस है तो हमें इसको बहुत ज्यादा सोक नहीं करना होता, ध्यान रखें 10 मिनट से ज्यादा सोक ना करें। जैसे ही पानी हल्का गुनगुना होने लगे उसमें सारे मसाले डाल दें, जो भी है खड़े मसाले, जिससे क्या होगा पानी में उबलेंगे तो ये जो अपनी जो खुशबू है और जो टेस्ट है वो रिलीज करेंगे। फिर ये तकरीबन 10 मिनट लगेगा पानी उबलने में। जैसे ही उबल जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे राइस, ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर दें। और एक चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को कि चावल को बहुत बार बार हमको नहीं हिलाना होता, ठीक है, उसको बहुत बार बार मिक्स नहीं करना होता, एक बार मिक्स करें। और अभी आप देख सकते हैं जो राइस है वो बिल्कुल तली में है, पानी बहुत ऊपर है। तो जैसे ही चावल मिक्स करें उसमें जो चिकनाई आप यूज कर रहे हैं, घी हो या ऑयल हो, वो डाल दें 1 टीस्पून के करीब। उससे क्या होगा चावल में ग्रीस आएगा थोड़ा सा और एक दूसरे से स्टिक नहीं करेगा चावल और उसमें शाइन बनी रहेगी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है आपको। चावल हल्का हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि 10 मिनट है और लॉन्ग ग्रेन नहीं है तो इसको बहुत ज्यादा सोक नहीं करना पड़ता। और आप देखेंगे अब यह हल्का सा चावल जो है इसका वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो गया है हल्का सा। इसमें आप जब टच करेंगे देखेंगे किनारी सॉफ्ट है, बीच में हल्का सा गठान है। इट मीन्स अभी इसको थोड़ा सा और पकना है। राइस को पकने में ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते। जितना राइस मैंने यूज किया है इसमें सिर्फ इतना ही टाइम लगेगा। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही लगे आधा सा पक गया है राइस तो मैं लेमन लूंगी और 1 टेबल स्पून के करीब लेमन डाल देंगे। लेमन से पहली बात तो क्या होती है कि जो स्टार्च है उससे वो उसको सेपरेट करता है, दूसरा जो इसका कलर है वो बहुत ब्राइट करता है राइस का। जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे राइस का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो जाएगा और चावल को और खिलाने में हेल्प करता है। आप देखेंगे राइस है जो साइज में भी बहुत क्रीज हो गया है। ये ऑलमोस्ट डन है राइस। और ट्राई करें राइस को कभी भी प्रॉपर पूरा कुक नहीं करना चाहिए। जो राइस हम खाते हैं तो आप में जब खाते में आप देखते होंगे राइस उस एक्सटेंट तक हमको राइस को नहीं पकाना होता है, उससे तकरीबन आप समझ लें कि 70% आपको राइस पकाना होता है। क्योंकि जब आप उसको छानेंगे तो जिसकी जो स्टीम निकलती है और चावल एक दूसरे से ऑब्वियसली आप भर करके रखते हैं तो चावल उसमें स्टीम के थ्रू वो पक जाता है। तो जैसे ही चावल हो गया है मैंने उसको स्ट्रेनर से छान लिया है, स्ट्रेनर में छान लिया है। और जब भी आप चावल चलाएं तो हमेशा फोर्क जो होता है उसी को यूज करें। एंड इस चावल को कभी भी टाइट हाथ से कभी भी नहीं चलाना चाहिए, ऊपरी हल्के हल्के हाथ से चलाएं। और आप देख सकते हैं राइस बिल्कुल एक दूसरे से चिपका नहीं है, इसके लिए गर्म है तो भी। और जब ये ठंडा होगा राइस तो ये और भी ज्यादा खिला खिला बन जाएगा। तो ये राइस बनकर के रेडी है। एंड एक बात का ध्यान रखना है कि जब राइस आप मैंने छाना है इसको स्ट्रेनर में और नीचे एक प्लेट रख दें और इसको इसी छलनी में ही रखे रहने दें। राइस को बर्तन में इकट्ठा ना रखें, बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा जो इसकी जो भाप निकल रही है ना निकल करके उल्टा क्या होगा चावल ओवर कुक हो जाएगा जो हमको नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको छलनी में ही रखा छोड़ देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा इसमें जो भाप होगी वो निकल जाएगी और नीचे का भी चावल जो है वो उतना ही खिला रहेगा जितना कि ऊपर का चावल खिला हुआ। नहीं तो क्या होता है, ऊपर का तो खिला खिला दिखता है, नीचे वो केक के जैसे जम जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। और इस राइस को आप जीरा राइस भी बना सकते हैं, बिरयानी में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं, या साउथ इंडियन कोई राइस आपको बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। और राइस को आराम से 5 से 7 मिनट तक रेस्ट करने दें सर्व करने से पहले। उससे क्या होगा, जब इसकी स्टीम पूरी निकल जाएगी, ठंडा होगा, इसका पानी ड्राई होगा, तो ये और भी खिला खिला लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये बनकर के रेडी है राइस, और आप इसको जैसे चाहें उसके वैसे सर्व करें। मैं इसको प्लेन ही बनाई हूँ दाल से खाने के लिए। तो रेडी है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लेट मी नो एंड हिट ऑन द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड दिस रेसिपी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू।